हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास टेंथ आईसीएसई एमएल अग्रवाल एक्सरसाइज 17.4 के क्वेश्चन नंबर 10 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है अ सर्कस टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोन। ठीक है, यानी सिलेंडर शेप का है और ऊपर कोन बना हुआ है। द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 24 मीटर। इसको पहले डायग्राम बना ही लेते हैं, तभी आसानी रहेगी। कह रहा है सिलेंडर शेप का है, लो सिलेंडर शेप बना लिया, ठीक है ना, और ऊपर कह रहा है कौन बना हुआ है, तो चलिए कौन बना देते हैं। ठीक है, कह रहा है द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 24 मीटर। सिलेंड्रिकल पोर्शन का डायमीटर यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, सॉरी डायमीटर कितना दिया है 24, तो रेडियस कितना हो जाएगा बेटा, डायमीटर का आधा, तो 24 का आधा करेंगे कितना आएगा, 12 आएगा, 12 मीटर। ठीक है, इसकी हाइट कितनी दी है 11 मीटर। किसकी हाइट? सिलेंड्रिकल पोर्शन की, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दिया है 11 मीटर दिया है। ठीक है, हाइट पूरी आपकी, हाइट सिलेंडर की 11 मीटर, रेडियस डायमीटर 24 दिया था, रेडियस 12 हो गया। कह रहे द वर्टेक्स ऑफ द कोन इज 16 मीटर अबव द ग्राउंड। अब देखो कह रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक 16 मीटर हाइट है, वर्टेक्स इस पॉइंट को कहते हैं। ठीक है, कोन के ये नुकेली वाले पॉइंट को, पॉइंटेड पॉइंट, कौन का जो ये वाला पॉइंट है सबसे ऊपर वाला जिसको मैंने अभी सर्किल किया है उसको कहते हैं वर्टेक्स। कह रहा है वर्टेक्स से ग्राउंड तक का जो डिस्टेंस है ये 16 मीटर दिया था, और आपका हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दिया था 11 मीटर, तो आप ये हाइट पता नहीं लगा पाओगे, हाइट ऑफ कौन, ये इतनी सी हाइट कैसे पता लगाओगे? अरे भैया टोटल हाइट में से हाइट ऑफ सिलेंडर माइनस कर दोगे, 16 में से 11 माइनस करोगे तो ये वाली हाइट पता चल जाएगी। कितना आएगा 16 में से 11 माइनस करेंगे तो 5 मीटर आएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, और जो हाइट, सॉरी जो जो रेडियस ऑफ सिलेंडर है वही रेडियस ऑफ कोन भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों का बेस क्या है, सेम है। ठीक है, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज टू मेक द टेंट। ठीक है, मतलब ये देखिए आपको इस टेंट को बनाने के लिए कितना कपड़ा इस्तेमाल होगा, कितना कैनवस इस्तेमाल होगा वो बताना है। तो बहुत आसान है, देखो सॉल्यूशन, आप इसका कर्व सरफेस एरिया लोगे, इसका कर्व सरफेस एरिया लोगे, दोनों को मिला प्लस कर दोगे आंसर आ जाएगा। अब देखोगे एरिया ऑफ कैनवस यूज टू मेक द टेंट इज इक्वल टू, ठीक है क्या होगा, सी एस सी ऑफ कोन प्लस सी एस सी ऑफ, सी एस सी ऑफ वॉट, सिलेंडर। ठीक है, सी एस सी ऑफ कोन होता है पाई आर एल, और सी एस सी ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, एल यहाँ पे नहीं पता है, एल हमको पता लगाना पड़ेगा फिर से। ठीक है, अगेन देखो पता लगा लेंगे, समझना, इतना से डिस्टेंस क्या है आपका 12 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है आपका 5 दिया हुआ है, अभी आपने निकाला है। इसको आप मान लो ए बी और सी, ठीक है, ए सी आपका एल होगा तो एल निकाल सकते हो, एल का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच क्या है आपका हाइट, हाइट ऑफ कोन 5 दिया है, करेंगे 5 का स्क्वायर प्लस रेडियस कितना दिया है, रेडियस ऑफ कोन 12 दिया है, तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर आएगा 25, 12 का स्क्वायर होगा 144, आंसर आएगा अंडर रूट 169, 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई। आपको एल की भी वैल्यू पता चल गई, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोनों में कॉमन क्या है ज़रा देखिए, इन दोनों में पाई आर कॉमन है ना, पहले वाले में से पाई आर हटाइए एल बचेगा, दूसरे वाले में से पाई आर हटाइए तो 2 और एच बचेगा, वैल्यू रख दो आंसर आ जाएगा, तो 2/7 इंटू रेडियस कितना दिया है, रेडियस दिया है 12। एल कितना दिया है, एल इज़ वॉट, एल इज़ द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन अभी आपने निकाला कितना है 13 है, प्लस 2 इंटू एच क्या है, एच इज़ द हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दिया है 11 दिया है, 2 को 11 से मल्टीप्लाई करने कितना आएगा 22 आएगा, 22 में 13 जोड़ेंगे कितना आएगा बेटा 35 आएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, 2 को 11 से मल्टीप्लाई किया 22 आएगा, 22 में 13 प्लस कर देंगे 35 आएगा, 7 1 जा 7 5 जा, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो 13 को 5 से करेंगे आएगा 65, 22 को आप क्या करेंगे डायरेक्ट 65 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
क्लियर है बेटा कि नहीं है? इसमें देखिएगा सिली मिस्टेक, आप समझ ही गए होंगे, यहाँ 12 लिखा है ये 13 कैसे बन गया। ठीक है चलो फिलहाल ये सब चीज़ें ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं। 12 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा, 60 आएगा। 60 को 60 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 22 से, आंसर कितना आएगा 1320। ठीक है इतना तो आप समझ गए होंगे, 1320। मैंने गलती में लिखने में गलती कर दी तो वेरी सॉरी फॉर दैट। एरिया पूछा था तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा आंसर, क्योंकि डायमेंशन सेंटीमीटर में दिया है। क्लियर है बेटा, अच्छे से समझ में आया ना कॉन्सेप्ट पीछे का, सिली मिस्टेक को जाने दीजिएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए। देखो क्या दे रहा है, कह रहा है एन एग्जीबिशन टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंड्रिकल सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोन। ओके द हाइट ऑफ द टेंट अबव द ग्राउंड इज 85 मीटर एंड द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 50 मीटर। ओके द डायमीटर ऑफ द बेस इज 168 मीटर, फाइंड द क्वान्टिटी ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, अलाउ 20% एक्स्ट्रा फॉर फोल्ड्स एंड स्ट्रेचिंग, गिव योर आंसर टू द नियरेस्ट मीटर स्क्वायर। आसान क्वेश्चन है, बस इसका के बाद डायग्राम समझ लेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो कह रहा है एक एग्जीबिशन टेंट है, वो सिलेंड्रिकल शेप का है और ऊपर कोन बना हुआ है, यानी कुछ इस तरीके का। देखो नीचे सिलेंडर है इस तरीके का और ऊपर क्या बनाया बेटा, कोन बना है इस तरीके का कोन। ठीक है द हाइट ऑफ द टेंट अबव द ग्राउंड इज 85 मीटर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 85 मीटर है। ठीक है एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 50 मीटर, और सिलेंडर की हाइट कितनी है बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक 50 मीटर है। तो आप हाइट ऑफ कोन तो पता ही लगा लोगे, टोटल हाइट में से हाइट ऑफ सिलेंडर माइनस करोगे हाइट ऑफ कोन पता चल जाएगा कितना आ जाएगा, 85 में से 50 माइनस करो 35 आएगा, 35 मीटर। क्लियर है समझ में आया, एक चीज़ पता चल गया। डायमीटर दिया हुआ है आपको 168, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया है पूरा 168, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना हो जाएगा 168 का हाफ रेडियस, 168 का हाफ कितना होता है बेटा बताओ, 82 होता है मेरे ख्याल से, नहीं सॉरी 84 होगा। ठीक है 2 8 16 2 4 8, हाँ तो 84 मीटर होगा। ठीक है आपको सब कुछ पता चल गया, अब आपको निकालना क्या है, कह रहा फाइंड द क्वांटिटी ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, वही आपको कैसे निकलोगे, प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसे ही था, कैसे निकलेगा बताओ, सी एस ए कर्व सर्फेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सर्फेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दोनों को प्लस कर दोगे आंसर निकल आएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद भी कुछ करना है इसमें, लेकिन चलिए पहले इतना कर लेते हैं। एरिया ऑफ कैनवस ठीक है रिक्वायर्ड टू मेक टेंट कितना हो जाएगा, सी एस ए ऑफ कोन प्लस सॉरी प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर। सी एस ए ऑफ कोन क्या होता है बेटा, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच, पहले कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, पाई आर कॉमन है, अंदर क्या बचेगा एल बचेगा और प्लस यहाँ पे 2 एच बचेगा। एल नहीं पता है, एल पता लगा लेंगे, आसान है देख लो, बहुत टफ नहीं है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है आपका 84 दिया है, ये आपकी हाइट कितनी दी है यहाँ से लेके यहाँ तक 35 दी है। ठीक है इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, ए सी आपका एल हो जाएगा, एल की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, एल इज इक्वल टू कितना होता है अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, तो बराबर हो जाएगा अंडर रूट एच कितना दिया है 35 का स्क्वायर और प्लस आर कितना दिया है 84 का स्क्वायर। ठीक है इसको आपको थोड़ा निकालना पड़ेगा, चलिए जल्दी से निकाल लेते हैं। 84 का अगर स्क्वायर करते हैं तो आंसर आएगा 7056। ठीक है और अगर आप 35 का स्क्वायर करते हैं तो आंसर आएगा 1225। ठीक है फिर आप दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है ना, तो आंसर आएगा 8281, 8281। इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए, यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड आना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसका इस तरीके से निकालेंगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड बहुत आसानी से हो जाएगा, देख लो कैसे होता है 8281, मेक श्योर कि ये सही हो, वैसे सही है मेरा। ठीक है
8 to 8 1। पीछे से पहले हम दो दो का पेयर बनाते हैं, फिर 9 से रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस इन द सेंस पहले दो नंबर को हम चेक करेंगे कि किसका स्क्वायर हो सकता है। 82 वैसे एक इम्परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन इससे छोटा नंबर देखो जो कि किसी नंबर का स्क्वायर हो, तो वो है 81। 9 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 9 9 81, आंसर कितना आएगा? 181। प्लस कर देंगे कितना आएगा? 18। अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर रखेंगे जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पे 181 आ जाए, तो 18। और यहाँ पे ऐसा नंबर क्या रखेंगे? तो 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो 181 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आएगा? 181। यहाँ 1 रखा, यहाँ 1 रखा, 181 से 181 कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आएगा आपका? ये 91 आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आया ना अच्छे से? चलो, यानी इसका आंसर कितना आ गया? 91 मीटर। क्लियर है? उठा के वैल्यू रख तो आंसर आ जाएगा। देखो क्या होगा, वैल्यू रख देंगे 22/7 पाई की वैल्यू। आर कितना है? 84 है, ठीक है, इंटू एल कितना है आपका? 91 प्लस 2 इंटू एच कितना है? 50। 7 1 7 12, आंसर कितना आएगा? 22 को आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे इंटू 191, क्योंकि 250 से कितना हो जाएगा? 100। 100 में 91 जोड़ेंगे आएगा 191। 22 को मल्टीप्लाई किया आपने 12 से, आंसर आएगा 264, मल्टीप्लाई कर दिया 191 से। क्लियर है बेटा? अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। आपका आंसर आया 50,424 क्या मीटर स्क्वायर। अब देखिए, ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कह दिया है कि 20% लगता है उसको फोल्ड करने के लिए और स्टिच करने के लिए। अब जाहिर सी बात है, आपको इतना कपड़ा चाहिए था, चलिए मान लिया। अब आप सिर्फ कपड़े को ले जाके खुली हवा में टांग थोड़ी दोगे, उसको कहीं ना कहीं से जोड़ोगे, काटोगे, तो उन सब में जितना कपड़ा वेस्ट होगा वो कितना है? 20% है इस एरिया का। समझ रहे मेरी बात? मैंने क्या कहा, आप ले जाके टेंट को हवा में टांग थोड़ी दोगे कि बस टेंट का कपड़ा लेगा, टांग दिया, उसको बनाओगे भी तो, उसको जोड़ोगे भी तो, उसको सिलोगे भी तो, तभी तो वो तूफान का सामना कर पाएगा। वरना ऐसे तो आपने जाके कपड़ा टांग दिया और वो उड़ गया, हवा चली उड़ गया, और आप सब खुले आसमान के नीचे ठिठुर के मर गए। तो ऐसे थोड़ी होगा ना, जाहिर सी बात, उसको कहीं ना कहीं से सिलोगे। तो जो सिलने का वो है परसेंटेज है, वो 20% है। यानी जो आपको फाइनल आंसर होगा वो होगा 50424 में आप क्या करोगे? 20% जोड़ दोगे। 20% ऑफ व्हाट? 20% ऑफ 50424। क्लियर है? अब इसको कैसे निकालेंगे देखो, 50424 प्लस 20 ऑफ का मतलब इनटू होता है 50424 अपॉन में 100, ठीक है। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हुआ, 2 1 2 5 0। 50424 को डिवाइड कर देंगे 5 से, आंसर कितना आएगा? 10,884.8। क्लियर है? तो इसका आंसर कितना आ गया फाइनल, देख लें यहाँ पे, 50424 प्लस 10,084.8, दोनों को प्लस कर दो आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर आएगा आपका 60,508.8। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि नियरेस्ट मीटर स्क्वायर में अपना आंसर दीजिए। तो देखो पॉइंट के बाद वाली गिनती को हम देखेंगे, पॉइंट के बाद वाली गिनती अगर 5 है या 5 से बड़ी है, तो पॉइंट से पहले वाली गिनती यानी ये वाले 8 जो पॉइंट से पहले है, इसमें आप 1 जोड़ दोगे, तो 1 जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा? 60509 मीटर स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? अच्छे से, ओके। चलिए फटाक से इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 हमसे हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 30 सेंटीमीटर एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर, अ कोनिकल कैविटी ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर इज ड्रिल्ड आउट, फाइंड द वॉल्यूम एंड TSA यानी टोटल सर्फेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो, ये डायग्राम से समझ लेते हैं। कह रहा है सिलेंडर दिया हुआ है इस तरीके का, ठीक है, उसमें से आपने एक कोन काट लिया इस तरीके का, काट के बाहर निकाल दिया, कोन और सिलेंडर का रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर, कोन की हाइट आपको दी है 24 सेंटीमीटर,
ठीक है ना। और जो इसकी हाइट है सिलेंडर की, वो दी आपको 30 सेंटीमीटर, कुछ ऐसा गिवन है। आपको निकालना है, आपको बताना है कि जो कोन काटने के बाद जो एरिया बचेगा या जो मटेरियल बचेगा आपका सॉलिड सिलेंडर का, उसका वॉल्यूम और उसका टीएसए बताना है। ठीक है, आसान है, देख लो सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड कैसे निकालोगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से माइनस कर दोगे वॉल्यूम ऑफ व्हाट? कोन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, अब यहाँ पे कॉमन वगैरह लेने मत बैठ जाना, थोड़ा सा ध्यान भी रखना। क्यों? क्योंकि दोनों की हाइट अलग अलग है, और अगर कॉमन ले भी रहे हो दोनों का रेडियस तो सेम है, मैंने यहाँ पे बता ही दिया है। दोनों की हाइट अलग अलग है तो एक को एच डैश से दिखाओगे, अब ले सकते हो कॉमन। दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन क्या है? देखो पाई आर स्क्वायर कॉमन है ना, अंदर क्या बचेगा? यहाँ एच बचेगा माइनस, यहाँ क्या बचेगा? 1/3 h डैश। वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा 32/7। रेडियस कितना दिया है? 7 दिया है, तो 7 × 7 कर दोगे। हाइट कितना दिया है? ये है हाइट ऑफ सिलेंडर 30 - 1/3। हाइट ऑफ कोन कितना दिया है? 24। 3 × 1 = 3, 8 = 30। 30 में से 8 को माइनस कर दो, 30 में से 8 माइनस करो कितना आएगा? 22 आएगा मेरे ख्याल से, ठीक है ना? 22। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम का आंसर आ जाएगा। 22 को मल्टीप्लाई करोगे 7 से, 154 आएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे 22 से। क्लियर है? आंसर कितना आएगा? 3388, 3388 cm². अब कह रहा है वॉल्यूम निकालो। अब क्या कह रहा है कि भैया टीएसए निकालो, टोटल सरफेस एरिया। कैसे निकालोगे बताओ? देखो निकाल लो, टीएसए टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। बताओ कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो देखो सॉलिड कुछ इस टाइप का बनेगा, यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, सॉलिड कुछ इस टाइप का रहेगा बाद में। इस टाइप का बनेगा ना, कोन आपने काट के निकाल लिया, तो एक तो हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का, ठीक है? एक हो जाए आपका कर्व सरफेस एरिया किसका? कोन का। देखो दिख रहा है आपको, क्लियर है बेटा? अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है? चलो निकालते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πr h। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है? पाई आर एल, ठीक है? दोनों में कॉमन क्या है? पाई आर कॉमन है, अंदर क्या बचेगा? 2h + l। एल कैसे निकलेगा? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट देखो कैसे निकलेगा, बता रहा हूँ, ठीक है? देखो स्लैंट हाइट देख लो कैसे निकलेगा। रेडियस 7 दिया है, यानी जो हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ठीक है, इसको समझ लीजिएगा आप लोग, कितनी दी है? 24 दी है। इसको ए बी सी मान लो, और वही है ए सी एल हो जाएगा, तो एल की वैल्यू कितनी होगी? अंडर रूट h² + r²। हाइट है 24, 24 का स्क्वायर करोगे, रेडियस है 7, 7 का स्क्वायर कर दोगे, 24 का स्क्वायर होगा 576, 7 का स्क्वायर होगा 49, दोनों को जोड़ोगे आंसर आएगा 625। अंडर रूट में 625 किसका होता है? 25 का, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई? 25 सेंटीमीटर। क्लियर है ना? उठा के वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा 22/7 × रेडियस की जगह 7। हाइट कितना हो जाएगा? 2 × व्हाट इज दिस हाइट? दिस इज द हाइट ऑफ सिलेंडर, 30 + 25। 7 से 7 कैंसिल आउट, आंसर कितना आएगा? 22 × 2 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 60। 60 तो आएगा ना, 2 को 35, 30 से मल्टीप्लाई कितना आएगा? 60। 60 में 5 जोड़ने का आंसर कितना आएगा? 85। क्लियर है? समझ में आया ना? अच्छा एक चीज़ और देखना, ठीक है? मैं आपको कुछ चीज़ चेक कराना चाह रहा था कि हर क्वेश्चन में हमने इसी तरीके से किया है, हर क्वेश्चन में हमने इसी तरीके से किया है, लेकिन बेटा मैंने यहाँ पे डायग्राम भी बनाया था,
आपने एक चीज़ नोटिस किया कि हमने चलो कट सर्विस एरिया सिलेंडर का ले लिया, हमने कौन का भी ले लिया, हमने ये ऊपर वाले से लिया ही नहीं ये चीज़। इसको काटा थोड़ी गया है, ये तो अभी भी मौजूद है ना, तो हम इसको भी लेंगे। और इसको लेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको हम लेंगे तो एरिया ऑफ सर्किल जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ भी कितना होगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, पाई आर कितना है 7 है, तो 7 पाई आर स्क्वायर करेंगे। ठीक है ना, तो जो भी आंसर आएगा ये इसमें क्या जोड़ेंगे, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है, थोड़ा सा ध्यान भी देना है, हर क्वेश्चन में एक तरीके के सोल्यूशन नहीं होंगे। यहाँ पे डायग्राम देख के ही पता चल रहा था लेकिन मैंने जानबूझ के निगलेक्ट किया, ठीक है, ताकि आप समझ सको गलती कहाँ पे होती है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, अब आ जाएगा 22 को 85 से करोगे आंसर आएगा 1870, 1870 प्लस 22 को 7 से करोगे आएगा 154, दोनों को जोड़ दो आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा 2024, 2024 एरिया है, डायमेंशन सेंटीमीटर में दिए हैं तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब होगा, स्क्वायर क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम है। ठीक है बेटा, अच्छे से स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।